न्यू मॉडर्न इंग्लिश का आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब रोज़ी आई तो उसने कहा कि मैं आपके लिए बन बना कर लाई हूँ, बन और लेमनेड का शरबत लाई हूँ, आओ के चलते हैं। तो उसने कहा कि व्हाट फॉर, हम कहाँ, किस लिए। आस निको बोबिनस ने पूछा। सप्लाईज फॉर दी रोड, ये रोड के लिए तोशा है, रास्ते के लिए तोशा है, यानी रास्ते के लिए सामान है। विस्पर्ड रोज़ी, रोज़ी ने सरगोशी की या चुपके से कहा। वेयर वर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। आस्क निको बोबिनस ने पूछा। वी आर गोइंग टू फाइंड, हम मालूम करने जा रहे हैं, दी लैंड ऑफ ड्रैगन्स, अजदहाओं की सरजमीन। विस्पर्ड रोज़ी ने चुपके से कहा। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है। रिमेंबर का माना है याद नहीं है तुम्हें। ओह, उसने कहा। ओह आई थॉट, मैंने समझा। यू माइट हैव फॉरगॉटन, आह मैंने समझा कि तुम भूल चुकी होगी। अबाउट दैट, उसके बारे में, सेड निको बोबिनस ने कहा। नो फेयर, डरना नहीं, डरो मत। नो फेयर मीन डरो मत, सेड रोज़ी ने कहा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज आई हैव एवर हैड, ये उन बेहतरीन ख्यालों में से एक है जो मैंने सोचे थे। व्हाट अबाउट द वीडिंग, उस घास के निकालने के बारे में आपका क्या ख्याल है, सेड निको बोबिनस ने कहा। कम ऑन, चलो, सेड रोज़ी ने कहा। सो दे सेट अप थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, तो वो सुबह सवेरे कस्बे में से रवाना हुए। वेन दे गो टू द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट, जब वो तंगली के सिरे पर पहुंचे, वेयर दे लिव्ड, जहाँ वो रहते थे। दे मेट ए नाइट वॉचमैन, तो वो रात के चौकीदार से मिले। हू सेड, उसने कहा। वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर, तुम दोनों इस समय कहाँ जा रहे हो, इस वक्त। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द ड्रैगन्स लैंड, फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, हम अजदाहों की सरजमीन को मालूम करने के लिए जा रहे हैं, सेड निको बोबिनस ने कहा। यू कैन डू दैट एट दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग, तुम सुबह के इस वक्त ये काम नहीं कर सकते, सेड नाइट वॉचमैन, रात के चौकीदार ने कहा। बट बिफोर ही कुड ग्रेब देम, लेकिन इससे पहले के वो उन्हें पकड़ ले, रोज़ी एंड निकोबोबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे, रोज़ी और निकोबोबिनस तेज़ी से भाग गए। एज फास्ट एज दे कुड, जिस तरह तेज़ वो भाग सकते थे। एंड दे डिड नॉट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस्ड थ्री ब्रिजेस, वो तब तक नहीं रुके यहाँ तक कि उन्होंने तीन पुलों को पार किया। एंड ट्रिप ओवर ए डॉग, और एक कुत्ते पर उन्होंने ठोकर खाई। ए दैट वॉज लेंग ए स्लीप अंडर द गार्डन वॉल, जो बाग के दीवार के पास सोया हुआ था। रोज़ीज बोटल ऑफ लेमनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल, रोज़ी के जो लेम्बू की शरबत का जो बोतल था वो दीवार के साथ लग कर टुकड़े टुकड़े हो गया। एंड द डॉग लीप टू इट्स पीट, और कुत्ता अपनी टांगों पर उछल कर खड़ा हो गया। बार्किंग, भोंकता हुआ। एज इफ हैड थॉट डॉग्स डूम्ड हैड अराइव्ड, उसे ऐसे लगा कि कुत्तों की कयामत आ चुकी है। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट देम, एक लम्हे के लिए उन्हें लगा कि ये कुत्ता उन्हें काट लेगा। बट देन इट नोटिस दी टू बन दैट हैड रोल्ड इन टू दी गटर, लेकिन फिर उन्होंने तो दो
जो केक थे बन थे उनको देखा जो लुढ़क कर गटर में गए एंड इट वुल्फेड देम डाउन और उन्होंने उसको हड़प किए बार्क और बोंग का थैंक यू कहकर चला गया एंड रेन अप टू टेल इट्स फ्रेंड और अपने दोस्तों को बताने के लिए वो चला गया वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाईज हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं बगैर तोशे के बगैर सप्लाई के बगैर जब अगर हमारे पास ये सामान नहीं होगा ये खाने पीने की चीज़ें नहीं होगी तो हम नहीं जा सकते हैं सेड रोज़ी ग्लूमिली रोज़ी ने ग्लूमिली उदासी के आलम में कहा।